हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो गाइज अगेन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग आ गए हैं वृंदावन। और ये देखो, मैंने वृंदावन के ही हिसाब से कितना प्यारा काउ प्रिंट गाउन पहना है। तो गाइज अगर आप ये गाउन लेना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड बहुत क्यूट है। मतलब मैं आप लोगों को पता है कभी गाउन पहनती नहीं, बट ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। तो इनका जो पेज है याशी कलेक्शन 122, मैं इंस्टा पे रील डाल चुकी हूँ और स्टोरी वगैरह मेंशन करूँगी। आप लेना चाहें तो काफ़ी जेन्युइन एंड ट्रस्टेड पेज है, आप ले सकते हैं। तो अभी हम लोग उठ गए हैं, गुन्नू ने भी सूट पहने तैयार हो गई है, वो लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि गर्मी है। अब हमको लड़की है, हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो इसलिए हम दोनों ने ऐसे कपड़े पहने हैं। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है आंटी, ये लिपस्टिक कितना गंदा कलर लगाया है यार, ये अच्छा लग रहा था, पता नहीं आज कैसे गंदा हो गया। हाँ अच्छा, तो चलो गाइस अभी चलते हैं नीचे, और हम कल रात से भूखे भी हैं। सही है शर्ट, गाइस पैकिंग हो चुकी है हमारी, पम्मी गए हैं वॉशरूम। और ये जैसे देखो बटुआ टांग के, क्या पैसे हैं उसमें? पैसे दिखा, मेरा फोन है उसमें, मतलब 2000। अच्छा, उसके फ़ोन पे में 2000 रुपया गाइस। अरे बस थोड़ी देर में पम्मी आ जाए, फिर हम निकलते हैं। गाइज हम लोग निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं कहाँ? बांके बिहारी मंदिर। और गाइज दिल्ली से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, मतलब हमारे वहाँ से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। अंदर होटल में तो पता नहीं लगा है ना, और इन्हें देखो ऑल ब्लैक, और उसे देखो ऑल ब्लैक। गर्मी तो तुम्हें ही लगेगी और इन्हें ही पता लगेगा कि गर्मी क्या है। तुम भी देख लो तेज है, ये देखना इसने पहनी है, और शूज़ भी पहनी है। बहुत तेज़ धूप लग रही है, एसी भी काम नहीं कर रहा आज तो। गाड़ी पार्क कर दी क्योंकि आगे बहुत पतली गलियां हैं, गाड़ी जाएगी नहीं। और अब हम जा रहे हैं पैदल, और मेरे को ऐसे जाना पड़ रहा है इसे पकड़ के। ये रे बाकी दो पीछे हैं, गर्मी बहुत है गाइस, पर अब कहीं घूमने आए हैं तो गर्मी देख लो या घूमना देख लो, या फिर दर्शन करने आए तो दर्शन करना देख लो। और गलियां देखो कितनी छोटी छोटी हैं गाइस, और यहाँ पे बहुत पुराने पुराने घर बन रहे हैं। जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, और उससे पहले बीच में पड़ी है ये मार्केट, और हम लोगों को बहुत भूख भी लग रही है। लड्डू गोपाल का झूला, कपड़े, और देखो कितनी पतली पतली बन गई। और हमने मंगाई है लस्सी, अब ये बताइए टेस्ट कैसा है, फिर हम और लेंगे। और यहाँ पे ऐसी दुकानें हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। हमने सोचा था कि ही सुबह सुबह जाएंगे जल्दी, तो भीड़ तो नहीं मिलेगी इनफैक्ट इतनी, पर ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा भीड़ है, नीत ले रहा है अपने लड्डू गोपाल के कपड़े इनके घर पे, क्योंकि लड्डू गोपाल है ना। और भीड़ देखना जरा आप लोग, वो रहे पुनीत और पम्मी, दिखा ये वाले नहीं है, दोनों में से कौन सा है ज़्यादा? अभी तो वहाँ था दिया, कितनी बार अलग अलग देंगे? दोनों में से पिंक, ठीक है पिंक ठीक है। और लड्डू गोपाल के अच्छा लग रहा है, हम सारे जा रहे हैं कोई और मंदिर। इन्हें दोनों को देखो, वो हो रहा पीछे। हम जा रहे हैं कहाँ? निधिवन, पर यहाँ गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, तो या तो कोई बंदा घूम सकता है जिसे सारे रास्ते पता हो, या फिर रिक्शों पे जाओ, क्योंकि कार पार्किंग कहीं मिलती नहीं है जल्दी से।
इधर देखो, गुन्नू को देखो, इसको देखो, इनको देखो, इधर देखना। गाड़ी चला रही कैसे की हम लोग, कैसे लग रहे हैं गाइस? अच्छे लग रहे हैं ना? थैंक यू। घड़ी घड़ी करके जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के सारे वृंदावन बाग। गुन्नू का मुंह देखो, गुन्नू दिखाइए, सारा फैला लिया माथे पे। वैसे घर में पूजा नहीं करते, यहाँ पुजारी बन के घूम रहे हैं। तू तो कर लेता ना भगत जी। गाइस इनके आपस में लड़ाई हो जाएगी। मुझे बोल रही है मैंने पूरा मुंह भर रखा, अपने पति का नहीं देख रही, उन्होंने तो पूरा मुंह भर रखा। उसको भी कह रही हूँ मैं तो, उसने फैलाया तो हमने बस ऐसे लगवाया। और क्यों नहीं लगवाया ये सब? अभी लगवाऊंगी तेरे को देख। हम तो रात को लगवाएंगे। तो हम भी मुंह धो के लगवा लेंगे जीजू, इतनी बड़ी क्यों है, हमारे मुंह पर परमानेंट टैटू थोड़ी बन गया। बताओ इसे लगवाने के लिए भी लड़ रहे हैं। देख ले गई रो तक तेरी गाय भाग गई वो निकल के। रोटी खा नंद महल जिसे कान्हा जी का घर बताते हैं, वहाँ पर है सामने। और यहाँ पर भी है ही एक मंदिर, और हमने गाइड कर रखे हैं भैया, क्योंकि वैसे तो हम यूट्यूब वगैरह पे सब देख लेते हैं, पर मम्मी को फिर भी और चीज़ें जाननी थी इसलिए। ज़्यादा टाइम हो चुका है तो सब मंदिर बंद हो जाते हैं। चार बजे मंदिर खुलेंगे तो 4 बजे आएंगे हम। अब 4 बजे आएंगे, अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं, और अभी हमें गाड़ी में पेट्रोल CNG सब खत्म हो गया, वो भरवाना है। अंकल अंकल CNG पंप है कहीं मथुरा बाईपास आस पास? कहीं नहीं है। मथुरा ही जाएंगे ना? अब मथुरा ही तो जाएंगे हम। अभी तक हमें कुछ खाने को नहीं मिला, मतलब एक दो मिल रहा है। प्रेरणा के ड्रामे हो रहे हैं, हम खुद खा नहीं रहे, हमें भी नहीं। एसी वाले रेस्टोरेंट में बैठेगी तो जीजू, वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट उसमें एसी नहीं होगा? हाँ। डोर ओपन से तो कैसे एसी चल पाएगा? हाँ। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, पता मैं ज्यादा देर गाड़ी में बैठ ही नहीं रह सकती। गाइस हम ऋषिकेश जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे राफ्टिंग होती है जिसमें हिप हिप हुर्रे करते हैं। दीदी जी कह रही है लेके जाएंगी हम सबको। ठीक है, वी आर रेडी। गाइस देखो पत्थर नीचे, कान्हा जी एक तो गाय भाग गई गाइस इसके गाउन में से निकल के। वो बैठी हुई है तेरी गाय, तीन बैठी हो रही। चुके हैं वैष्णो देवी मंदिर पर, अभी 4 बजे के बाद सारे मंदिर खुलेंगे। और ये देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, मम्मी अंदर से तो और भी प्यारा है, अभी बताऊंगा। कुछ खाना खाने जहाँ रास्ते में कोई रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे कूलर चल रहा है, आपको आवाज कम आ रही होगी। को खिला दी कर तो यही मुदे का कितना अच्छा लग रहा है। हम तो टमाटर प्याज खा रहे हैं। इसमें मिर्ची रगड़ी है नहीं, कसम नहीं रगड़ी। तो टमाटर तीखा होता है? मतलब क्या था? और छोटा सा जैसे ढाबा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब रायता बहुत टेस्टी है, सही है। और ये है दाल मखनी, देखना इसके ऊपर कितना सारा पनीर और मक्खन है। ये ऐसे ही 60-70 रुपए के हैं बस। और गुन्नू हमारी प्लेटें लगा ली है, क्या ये खा के निकल लिया, इसका हो गई नहीं देना, इनका भी हो गया, ये बेचारे पूरी रोटी अभी आई है। गाइस पहले वाली रोटी इसने खाई ना, कह रही खराब है, अब इसने ऐसी मंगवाई है कच्ची रोटी, जल्दी खा लो। मैं हम लोगों ने खाना खाई और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन मंदिर। गोवर्धन मंदिर जा रहे हैं ना, और फेस वॉश हमने अपने फेस वॉश कर लिए, क्योंकि सर बहुत दुख रहा है और फेस भी जल रहा था थोड़ा, इसलिए बहुत देर से घूम रहे हैं ना धूप में। और अब मेकअप हट चुका है, हमारे चेहरे कैसली रंग सामने आ चुके हैं, एंड अब मौसम ठंडा हो गया, अब मजा आ रहा है, धूप नहीं आया ना। बारिश पड़ जाए तो और मजा आ रहा है। बारिश पड़ जाए तो बारिश में नहा के जाएंगे सीधा। अब बस हम जा रहे हैं फरीदाबाद 109 किलोमीटर। गोवर्धन इधर है जी, इधर आ रहा हूँ। हाँ यहीं पर दिखा रहा, वृंदावन भी इधर है, गोवर्धन भी इधर है। वृंदावन में गए ना? वृंदावन भी इधर गए हम।
से और कहाँ थे पगले। देखो भाई हम जितनी भी रोड पे जा रहे हैं ना सब दीवारों पे कुछ ना कुछ है ना मम्मी। देखो कितने प्यारे प्यारे आर्ट हो रखे हैं। सीधा लेफ्ट देखो कहीं कुछ ना कुछ तो बना ही रखा है और वो भी मतलब एक वॉल पे ही सारे रोड्स पे। गाइस थोड़ा खा के थोड़ा ठीक से लगा सिर घूम रहा है सुबह से कुछ खाया ही नहीं। मेरा तो अभी भी सिर दुख रहा है। ये देखो गाइस मतलब आगे तक कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। गाइस बाबू बाबू 1 2 3 नगीना पापा पापा ये जंगल आ गया। ये कान्हा जी आ गए। ये कान्हा जी की कार है यार पुराने पुराने ही होते कभी। हां देखो गाइस टेंपो पे यहां पे ना वृंदावन में मेरी तरफ दिखा ना मतलब यहाँ पे मथुरा वृंदावन में घर जो है ना बहुत से घर ऐसे 250-300 साल पुराने घर आज भी है वो। तो मतलब रह रहे हैं उनमें लोग भाग रहे हैं। हाँ उसे ऐसे ऊपर से रिपेयर करा लेते हैं। पुलिस वाले अंकल रूल तोड़ते हुए दिखे गए रॉन्ग साइड जा रहे थे। रिकॉर्ड हो गया ना। हाँ नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। जैसा कि अगर आप वृंदावन आए भी हो तो आप लोगों को पता होगा सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और 4 बजे खुलते हैं। और ये जो मैंने ऊपर रेड कलर की चूड़िया पहन रखी है ना एक हो ना भैया क्यों हो भैया क्या चाहिए एक घायल बनवा लो बड़ी वाली नींबू मरवा देना जो बड़ी वाली। हाँ बड़ी वाली तू खाएगी बेल अपनी बोला फिर। तो गाइस आप जैसे हम गए थे ये कौन से वाले मंदिर से ली थी चूड़ी निधिवन में जो जैसे बताते हैं कि रात को आते हैं श्रृंगार होता है तो उस श्रृंगार की चूड़ियां हैं अम्मी ने मेरे को दिलाई हैं। इसने भी लिया है मैं भी खाऊंगी और मेरे में ना नींबू मसाला तेज की गिरा अपनी मम्मी के लिए लिया इसने अपनी मम्मी के लिए लिया। नहीं नहीं मेरे को अलग चाहिए और मैंने लिया ये री और मेरे में नींबू बहुत ज्यादा बहुत साथ मिली। और हम यहाँ रुक के ना भेल वाले अंकल दिख गए थे। अब हम गोवर्धन जा रहे हैं क्योंकि सब मंदिर आप लोगों को पता होगा 4 बजे खुलते हैं। अभी 3 बजने में भी 10 मिनट है तो गोवर्धन खुला होता है तो हम वहीं जाते हैं अभी। और देखना बाल बाल खोल लिए मैंने जो लटाई बांध रखी थी पगले यार। धर्मशाला में चलते हैं सो जाएंगे थोड़ी देर फिर थोड़ी देर उठेंगे 6-7 बजे चलेंगे अपना मंदिर बाद। और ये लोग तो कह रहे हैं आगरा भी चलो। मैं कह रही हूँ भी नहीं यार अभी गुन्नू का बर्थडे भी है हम तो रात को भैया घर जाएंगे अब। और आगरा वगैरह नहीं जा रहे अब गुन्नू का बर्थडे है उसके बाद कहीं भी जाएंगे। बाल कितने खराब हो गए कुछ भी नहीं सबसे पूरा दिन ये पूछती है क्या गिफ्ट दोगे क्या गिफ्ट दोगे। बहुत महंगा गिफ्ट देगी बहन पुनीत को बता दिया तूने क्या देगी गाड़ी गाड़ी। अबे यार नहीं चाहिए इतना महंगा भी गिफ्ट। पुनीत अपनी सोने की अंगूठी उतार के दे रहा है इसे। ये मेरी बहन ने तुझे दी थी तू पहन तो हम यही तो करेंगे सर्कल घुमाएंगे ये रही है पुनी तो उसके बर्थडे भी थी अब पुनी तो फिर ये कान क्या उतार के और ये भी उतार के कुछ मिला के बड़ा सा बना है। कौन होता है अब हम लोग आ चुके हैं। मैं तो सो गई थी प्रेम मंदिर और इसमें देखो ये बैठे बैठे कपड़े चेंज कर लिए मुझे भी चेंज करने थे पर अब यहाँ पे कोई होटल हमें मिला नहीं आसपास। फेस वॉश है गवार हिम क्रीम ये चरने में लग रहे हैं। और हम अभी प्रेम मंदिर के बाहर है वहाँ 4:30 बजे खुलेगा अभी बंदा इसलिए हम गाड़ी में बैठे हुए। गाइस आप लोगों को पता है ये वाला मंदिर ना मुझे सबसे प्यारा लगा। मतलब अगर आप लोग गए हैं तो आप इस मंदिर में गए होंगे तो अगर आपने ये मूर्ति देखी होगी तो आपको पता होगा। पता है इसे बनने में 6 साल लगे थे और इतनी प्यारी इतनी बड़ी मूर्ति है देख के ऐसा लगता है कि रियल है बिल्कुल। और आसपास सारे में गुफाएं मतलब OMG वाला मंदिर ना सच में बहुत प्यारा है बहुत सुकून मिला है यहाँ जाकर। आए कहीं पे खाने और देखो मैंने चेंज कर लिया इन लोगों इसने भी कर लिया मैंने भी कर लिया बट कशिश नहीं किया तो हम लोग आए हैं चौपाटी प्रेम मंदिर के सामने है। इनका खाना बहुत टेस्टी है ऐसा इसने बताया हमने तो कभी खाया नहीं आज ट्राई करेंगे सो देखते हैं कैसा है। और हम यहाँ पे मेनली इसलिए आए हैं कि यहाँ पे AC लगा और पैरों की हालत चल चल के ऐसी हो गई है ना कि पैर ना ऐसे हो रहे हैं कच कच है फोन पे मैं आ रही हूँ। ओके तो कशिश मुझे लाने वाली है कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों को ब्लॉग में क्योंकि आप लोगों को रहता भी है कि वॉइस प्रॉब्लम है आ रही हूँ तो रहेगी थोड़ी सी तो कोऑपरेट कर लेना। पेस्ट्री मांगी है तो ये मुझे खिलाने के लिए दुकान पे आई है पहले उन्हें फ़ोन पे करेगी और फिर उनसे कैश लेगी क्योंकि मेरे पास भी कैश नहीं हम दोनों के पास फ़ोन पे है तो ये इसलिए बेचारी मेरे लिए बाहर तक आई है।
हो गया, और इसके फ़ोन में 1% चार्जिंग है जो कि अब डेड हो चुका है। मैंने एक पेस्ट लिया है अभी 75 रुपीज़ की, और मुझे पैसा वसूल है ना, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम फ्रेश एकदम बढ़िया। और इसने ये खाया में एकदम अदरक आ गई। ब्लॉग बंद करना, वो मैंने दो पानी लाई हूँ पहले ही, पर उसने बोला और दे देगा, मस्त पानी पी लो और ले आएंगे। दिक्कत ना देख, आप भी देखते हो, अच्छी लगती है वीडियो हमारी, थैंक यू। मैंने आपको भी ले लिया वीडियो में। गब्बर इज बैक। कैसे भैया कह रहे हैं वीडियो बहुत बनाते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और बहुत सारे लोग मिले हमें, बहुत अच्छा लगा। और अभी ये जो लास्ट वाले अंकल मिले ये सबसे अच्छे लगे, और बहुत मजा आया यार यहाँ पे। हमने मतलब एक ही दिन स्पेंड करा, पर हमारा बहुत अच्छा गया, और पहली बार हम इतना घूमे एक दिन में, मतलब 7-8 मंदिर हम लोग गए हैं, वरना हम लोग ना बाहर जाके 5-7 दिन के लिए जाते हैं और आराम आराम से घूमते हैं। इस बार हमने गाड़ी खड़ी करी और रिक्शों में बहुत बहुत ज्यादा घूमे, तो इस बार बहुत ज्यादा मजा आया। तो जो लोग हमसे मिले हमें बहुत अच्छा लगा, और अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ का व्लॉग बना पाए कुछ का नहीं बना पाए, तो अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए रात को ही। और हम पार्किंग वाले भैया भी हमें जॉइन कर रहे हैं, जो करे वीडियो बनाया, वीडियो बहुत अच्छे बनाते हो भैया। चलो चलते हैं अभी घर। पर मम्मी के पास किसी का फोन आया, वो यही के हैं, तो मम्मी का नंबर ज्यादातर लोगों पे होता ही है, तो इसलिए उनका फोन आया कि भाई हम आपसे मिलने के लिए आए थे और आप लोग जा रहे हो, तो वो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे, तो अभी वो आ रहे हैं तो हम उनके वेट कर रहे हैं। अब क्या करें, अब आ रहे हैं वो तो वेट तो करना ही पड़ेगा, जा नहीं सकते, और बहुत जाम लग रहा था, थोड़ा सा आगे आके खड़े हैं। और गाइस कुछ कहना है? और गाइस मैं तो घर जाते ही नहाऊंगा यार, मैं भी नहा के सोऊंगी, देखिए गाइस को क्या बताएं। गाइस मैं तो जाते ही सो जाऊंगा, गाइस के बाथरूम में जाके नहाएगा यार, पर मंदिर से जाते ही नहीं नहाते कहते हैं। अरे ऐसा पूछ नहीं, मंदिर से जाके नहीं नहाते, मंदिर से गाड़ी में आए तो घर जाएंगे फिर नहा सकते। गाइस मैं तो जाते ऐसा पड़ जाऊंगा जैसे मैं सुअर ना लौटता कीचड़ में। आपको बुरा लगता है आपसे? और मतलब आप एक सेकंड बंद हो जाएगा, मतलब मैं आपसे और एक सेकंड मैं और आपसे कैसे बोलूं, जब मेरे से ज्यादा ना ये जो लड़कियां पर्चे देती है ना कमेंट में, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, ये क्या किसी की सगी होगी, बस पैसे खर्च देती है, इसके पास पैसा है, और जब पति से ज्यादा कमाने लगती है तो अपने पति को दबाती है, तो ये जो फालतू की क्या, मेरे मुझसे गाली निकल जाएगी, मैं ऐसे कमेंट करती हूँ ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, कितनी फालतू बच्चों की क्यों करते हो तुम लोग, इतने साल तक गए तो हमें शुरू से ये, अरे यार मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए करता है तो क्यों लोगों को बुरा नहीं लगता, अगर मैं करती हूँ तो लोगों को क्यों बुरा लगता है, और मेरी मर्जी और इसकी मर्जी, हम जो मर्जी करें, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, तो तुम कौन होती हो भौंकने वाली कुत्तियों की तरह, पै पै पै, तुम्हारे भौंकने से तुम्हारे साथ आगे तो रह नहीं लेगा, फिर भी यही रहेगा चाहे मैं कितना उल्टा बोल लूं, तो तुम क्या लेती हो। अब वैसे वृंदावन आए थे, बीच में इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हेलो, हमें तो ये सब पता पे थे, तो हम यहीं पे थे कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इससे जैसे मर्जी बोलूँ आप करके या तू करके, और मेरे से ज्यादा तो तुम कोई अपने पति की कर भी नहीं सकती, जितना मैंने इनके लिए सैक्रिफाइस करा है और कॉम्प्रोमाइज करा है ना, और जितना सहा है मैंने रिलेशनशिप में, जैसे मैं आपने अगर मेरे पुराने लव स्टोरी वाले स्टार्टिंग के व्लॉग्स ना देखे हो तो मैं इतनी कुटी हूँ, इतना कुछ सहा है इसके लिए, तो तुम लोग कर भी नहीं सकती जितना मैंने सहा है, और आज जितना जितनी मेहनत मैंने करी है या जो भी मेरे पास है वो आप लोग ना मतलब समझ नहीं पाओगी, तुम लोग समझ नहीं पाओगी, तो तुम मुझे एडवाइस मत दो कि मुझे इससे कैसे बोलना चाहिए, मैं ऐसे ही बोलूंगी। हाँ भाई तुम्हें कोई दिक्कत है? ना भाई ना, ठीक है ठीक है, अब बोलो ये पिप हुर्रे। तो गाइस हम लोग जा रहे थे घर पर, रास्ते में यार मना करो ना इसको, अब ये बनाएगा ना मैं भी ऐसी करूंगी। तो गाइस हम नोएडा पहुंच चुके थे, और जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि आपको पता, उनको कैसे पता होगा भाई, पता है कि मम्मी की बहन और मेरी नंद यहीं रहते हैं नोएडा में, तो मम्मी कह रही कि चलो वहाँ होते हुए चलते हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं दीदी क्या, और सबसे बड़ी आफत है जय यानी कि भांजा, वो आते ही पूछेगा कि चीज का है कौन बंदा, वो आते ही पूछेगा चीज का है, तो चीज तो हमारे पास है, कोई बात नहीं गाइस आपको थोड़ी बहुत तो दिख रही होंगी,
तो वो पूछेगा चीज का है, पर चीज तो है ही नहीं। तो ये वो चीज है जो हमारे पास थी ना, मतलब गाड़ी में जो हमने मतलब थोड़ी बहुत बची हुई थी। तो अब तो यहाँ सारी दुकानें बंद हो चुकी है क्योंकि 11 बज रहे हैं और यहाँ आसपास 24/7 हमें पता नहीं है। तो अब हम यही वाली चीज लेके जा रहे हैं, फिर उसे बोल दूंगी जब तू और आएगा तब और पेंडिंग है तब दिला दूंगी। और जो मैंने चूड़ी वगैरह ली थी सबके लिए और प्रसाद है इसमें वहीं का, अब बाकी वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। तो क्या देख रहा हूँ मेरे को गाइस, इसने पता नहीं कौन सा नशा कर रखा है। कौन दीदी के घर रात की रानी है, रात को कपड़े धो रही है। वो क्या कर रही है? हाँ ये लाइव चल रही है। टाइट हो रही है, जल्दी नीचे कर दी। वो कहाँ जय? जय पेड़ के नीचे। वो जाएगा जय जय भाई, जय ना छुप गया, पता नहीं कहाँ गया। तो ये है हमारी दीदी का घर। अब ये देखो और बच्चे पता नहीं कहाँ भाग गए। तो जी कितना शर्मा रहा है, चीज छुपा देती हूँ। हाँ मम्मी आई हो? नमस्ते नमस्ते मामी, नमस्ते भाई, नमस्ते गुन्नू, पूरी गुन्नू, गुन्नू भी। पहले मेरे को तो कर नमस्ते कर लिया, ढंग से करना। नमस्ते मामी, ठीक है नमस्ते। पैर लियो, खा लेते हैं लो। यार जय चीज तो मिली नहीं यार, क्योंकि हम बस मिलने आए थे। अब दो तीन दिन में दीदी आएंगी घर। हैं आओगे ना? हैं आओगे ना? ठीक है बाय। आ दूं कह रही है मामी, थोड़ा प्रसाद दे जाओ। आपने किचन में रख दिए थे। वैसे कह रही है मामी थोड़ा प्रसाद दे जाओ, बहुत दिन से नहीं मिला। घर और अड़ोसी पड़ोसी तो सो रहे हैं गाइस, और 2 बज गए हैं और पता है आते ही नहाए। और आगे व्लॉग हम कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम सबके फोन डेड हो गए थे, गाड़ी का चार्ज। हाँ और उसमें भी मैप चल रहा था और गाड़ी में जो चार्जर पॉइंट है वो खराब हो रहा है, तो इसलिए हम सब व्लॉग शूट नहीं कर पाए। अब आके नहा धो के सारे बैठे हैं। ये नाली मैं नाली, गुन्नू नहाने गई है, और वो तो बीच में नोएडा रुक गए इसलिए टाइम लग गया, मतलब 2 घंटे में हम पूरा घर थे। और पुनीत अब नहाने जाएगा, और हमने पता है आते ही मैकडी से खाना मंगाया क्योंकि भूख लग रही थी। और अब ना पहले यहाँ पे लेट नाइट ऑर्डर नहीं आते थे, मैंने एड्रेस ठीक करा, फिर अब यहाँ पे लेट नाइट ऑर्डर भी आने लग गए हैं। तो हमने मैकडी से बर्गर मंगाए बस, और कुछ तो क्योंकि मिला नहीं, इसलिए अभी बिछा रहे हैं अपने गद्दे। और कुछ नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, देखना गाइस ये देखो पूरा वो पड़ गया जी, वाइट वाइट क्रीम लगाऊंगी। बट वो ना शायद वहाँ का पानी थोड़ा नमकीन था ना, इसलिए ऐसे हो रहा। अब गुनु नहाने गई है, उसके बाद खाएंगे मिलके सब नहाने पहले। तो भाई साहब देखो हमारा खाने का तरीका, अब आप कहोगे कत्ती गवार हो कोई बात नहीं, बर्गर फाड़ के उसमें फ्रेंच फ्राइज भरे। अब मम्मी देखना इसे, ये क्या कर दिया? ये मैंने बना, ये ना पैरी पैरी वाली पता नहीं है क्या उसे, देखो महाराज को। मॉर्निंग गाइज, तो गाइज अब कर रहे हैं हम व्लॉग का एंड, हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि वहाँ से कुछ प्रसाद लाए थे सबके लिए, तो वो सब देने। और फिर मिलेंगे आपसे न्यू व्लॉग में, अभी जस्ट सो के उठे और एकदम से कर रहे हैं व्लॉग का एंड। तो टाटा बाय बाय, लव यू गाइज।